दोस्तों, किंग खान की फिल्म डंकी को ऑस्कर अवार्ड में जाता देख बॉलीवुड वालों का हैरान करने वाला रिएक्शन सामने आया है। पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान के सपोर्ट में आ चुका है और तीन फिल्मों से किंग खान ने जो बवाल मचाया उसे देख सबसे होश उड़ गए। अब डंकी बॉलीवुड की तरफ से ऑस्कर में जा रही है और हर कोई राजकुमार हिरानी और शाहरुख की जमकर तारीफ कर रहा है। दोस्तों, RRR फिल्म को भी ऑस्कर नहीं मिला था बल्कि उसके गाने को ऑस्कर मिला था। डंकी इस बार इंडिया का नाम ऑस्कर में लेकर जा रही है जो कि बहुत बड़ी बात है। वही दोस्तों, अब हॉलीवुड में डंकी का डंका बज रहा है और शाहरुख खान ऑस्कर जीत कर नया इतिहास रचने वाले हैं। शाहरुख खान ने फिर से साबित कर दिया है कि वो लास्ट सुपरस्टार थे और रहेंगे। वही डंकी अभी रुकी नहीं है, इसका डंका तो बजना शुरू हुआ है। वही डंकी देश भर में धूम मचा रही है, लोगों में फिल्म का अलग ही क्रेज है। डंकी हार्डी और उसके चार दोस्तों की कहानी है जो लंदन जाना चाहते हैं ताकि अपना करियर बना सके, लेकिन लंदन जाते जाते ही उनके हालात खराब हो जाते हैं। वहां जाकर उनको पता चलता है कि अपना देश ही सबसे अच्छा है, लेकिन अब वापस आने के लिए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डंकी में शाहरुख के अलावा विक्की कौशल, तापसी पन्नू, बोमान ईरानी और विक्रम जैसे बेहतरीन एक्टर हैं। वही दोस्तों, डंकी हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है और बॉक्स ऑफिस पर ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नजर आ रही है। दोस्तों, फिल्म की पहले झलक ने ही दिखा दिया है कि शाहरुख खान एक्टिंग के बादशाह है और वो किसी भी तरह फिल्म में किरदार को पकड़ कर रखते हैं। बाकी डंकी की कहानी ही इसकी ताकत है और फिल्म भी काफी मस्ती वाली नजर आ रही है। अब सालार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। सालार और डंकी की जबरदस्त टक्कर के बीच पूरा सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। वही डंकी एक क्लासिक फिल्म है जैसे पीके और थ्री इडियट्स थी और वो फिल्में रिकॉर्ड बनाकर गई थी, तो जाहिर की बात है डंकी भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है।